अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए व्लॉग के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। आज हमें साइट पे जाना है, हम वहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद अपना जो एडिट वगैरह का काम है ऑफिस में वो करेंगे एंड देन शाम में जिम जाएंगे। तो कल का दिन बड़ा मज़े का रहा। कल हमारी उमैर नजमी से मुलाकात हुई, बट मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया एक्चुअली। उसकी वजह ये थी कि जाहिर सी बात है, अब खाना वाना खा रहे थे तो अच्छा नहीं लगा, फिर मुझे घर जाना था जल्दी तो मैं निकल गया। अब ये कि आज के दिन में क्या रूटीन चलती है देखते हैं। थोड़ा मेहनत मुशक्कत वाला दिन है क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है और कंस्ट्रक्शन साइट पे मेरे कैमराज होते हैं टाइम लैप्स के, जिसका मुझे हाल चाल देखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, तो वो मैं करूँगा। और बस अभी हम घर से निकले हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी दिन तो काफ़ी हो चुका है, काफ़ी देर से आज सुबह हुई है। नाश्ता वाश्ता कर लिया था हमने आज, जो हमारा रूटीन होता है, और अब देखते हैं क्या सीन चलता है। मिलते हैं आपसे। अब हम चलते हैं अपनी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे हमें अपने कैमरास को चेक करना है कि वो टाइम लैप्स ठीक से कैप्चर कर रहे हैं या नहीं, और उसकी जो मेमोरी कार्ड्स हैं उसका बैकअप भी लेना है। सो अब हम इस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जा चुके हैं। काम यहाँ ज़ोरों शोर से चल रहा है और उस कॉर्नर में, दूसरे कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, जहाँ जहाँ आपको लाइट नज़र आ रही है वहाँ पे हमारा कैमरा लगा हुआ है। और जाहिर सी बात है, मैं अभी ब्रांड का नाम नहीं बता सकता कि कौन सा ब्रांड है और क्या डिज़ाइन है, क्योंकि ये सारा कॉन्फिडेंशियल है। बट ये एक अच्छा खासा बड़ा ब्रांड है यूरोप का, जो यहाँ पर आ रहा है और ये लोग जो है वो इसको शोरूम बना रहे हैं गाड़ियों का। सो या मैं रिवील करूंगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा इसके लिए, बट अभी तो यहाँ पर काम जोरों शोर से चल रहा है। कि जी काम हो गया ख़त्म यहाँ से, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम। अब हमें जाना है और कुछ एडिटिंग करनी है, वो एडिटिंग करेंगे, कुछ कॉल्स करनी है ऑफिस से वो कॉल करेंगे, और फिर लंच का ब्रेक ले लेंगे। वेलकम टू सिटी वॉक। हाँ जी, वैसे तो यहाँ पर दुनिया में मेरा ख्याल है शायद ही बहुत कम जगहों पर ऐसा होता हो जो यहाँ दुबई में होता है कि सिटी वॉक पे आपको एक यूनिवर्सिटी मिलेगी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी मशहूर है यहाँ पे, वो सिटी वॉक पर है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नज़र आएंगे और एक अलग ही लेवल पे बिज़नेस चल रहा है। आप साइडों में देखेंगे तो आपको आइसक्रीम शॉप्स मिलेंगी, यू नो कपड़े बिक रहे हैं, एक्सचेंज खुले हुए हैं, यू नो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जहाँ पे आप अपने पैसे डालें, अपनी लोकल करेंसी, जो भी करेंसी आपकी, और आप उसको कन्वर्ट कर लें, ये भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। और मैं जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुके। हियर यू गो, आई होप कि ये नज़र आ रहा हूँ, मैंने सनग्लासेस पहने हैं तो मेरा तो विजन बिल्कुल ही गया है। यस, है यू गो। सो ये कैनेडियन यूनिवर्सिटी है और मिराज का ये प्रोजेक्ट है। मिराज एक डेवलपर हैं दुबई में, इनके डिज़ाइंस बड़े खूबसूरत होते हैं, यहाँ तक कि वॉशरूम्स के डिज़ाइन भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। किसी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। बस ताकिया एक जगह है अलसीफ दुबई के नाम से, वो भी मिराज का प्रोजेक्ट है। ब्यूटिफुली डिज़ाइन, वो आपको ओल्ड दुबई की जो वाइब्स हैं उस तरफ ले जाएगा। और यहाँ पे एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, सो प्रिंटिंग का ख़र्चा ही नहीं है,
एड्स चेंज करने हैं, एनिमेशंस हैं, सब यहाँ पे लग जाएंगे। वाओ, सी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मिराज के डिज़ाइंस जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। लामेर हो गया, इवन ब्लू वाटर आइलैंड हो गया, सिटी वॉक हो गया, आई थिंक बॉक्स पार्क भी मिराज का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी मिराज का ही है। तो मिराज एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम करता है डिज़ाइन वाइज। और रॉक्सी सिनेमा, इस सिनेमा भी अपने अंदर एक बहुत मज़े की चीज़ है। हम नॉर्मली वॉक्स जाते हैं, बट रॉक्सी भी कभी एक्सपीरियंस करेंगे तो व्लॉग में इसको ऐड करेंगे। अब अंदाज़ा करें, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, अपनी चिट चैट कर रहे हैं, हल्का सा म्यूज़िक बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। ट्यूसडे, मंडे, वेंसडे, थर्सडे, इस तरह के वर्किंग डेज़ में आपको लोग यहाँ मिलेंगे चल आउट करते हुए। पता नहीं क्या जॉब करते हैं ये। दिस इज़ दी कोकोनट वाटर। या दैट्स गुड। दिस इज़ कोकोनट वाटर। सिटी वॉक, इफ़ यू वांट टू कम टू सिटी वॉक एंड यू वांट टू हैव दिस कोकोनट वाटर, श्योर। थैंक्स बडी। सो या, दिस इज़ द प्लेस। I love this place, यार। डिज़ाइन में तो यार ये लोग पता नहीं, दुबई वाले जो है ना, डिज़ाइन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कमाल डिज़ाइन करते हैं, कमाल। एक्चुअली ये सफाई वाले हैं, ये बड़ा बड़ा सफाई का ख्याल रखते हैं। और मुझे मेरी किसने बताया था एक बात कि हम जब घर पे कचरा उठाने आते थे, छोटे थे, नहीं पता था, जो सिखाया जाता है वो सीख लेते हैं। तो जब वो बेचारा नॉक करता था तो हम कहते थे जी कचरे वाला आ गया। तो मुझे किसी ने करेक्ट किया था कि बेटा कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है, ठीक है, कचरा तो हम करते हैं, वो तो सफाई करता है, तो वो सफाई पसंद आदमी वो है। 3:30 बज चुके हैं, अब हमें जाना चाहिए ऑफिस, ताकि वहाँ जाके हम अपना एडिटिंग का काम कर सकें, कुछ टाइम लैप्स एडिट करने हैं वो कर सकें, और बाकी जो है हम फिर शाम में अपने जिम जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, सी एमी। बस चीज़ों को ना सजाना है, डिज़ाइन डिज़ाइन डिज़ाइन, इट्स ऑल अबाउट डिज़ाइन। सुबह सुबह जब मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मुझे पता चला कि एक टायर हमारा जो है उसमें हवा कम है, तो अब मुझे इसमें हवा डलवानी है पेट्रोल पंप पे जाके, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा अपना ऑफिस, क्योंकि इससे पहले कि ये टायर बिल्कुल फ्लैट हो जाए और रोड पे हमें ज़लील व ख़्वार करवा दे, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी, हम जाते हैं। लो भाई, हम आए थे कि हमने हवा डलवानी है, लेकिन यहाँ इन्होंने कोई और ही ख़बर दे दी है। तो कहते हैं टाएं टाएं फिश। अब मुझे कोई और पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा जहाँ मैं हवा डलवाऊँ। चलो जी, यहाँ से हम अब डालते हैं हवा। मैंने त्यात ना सारे ही टायर्स में हवा जो है वो चेक कर ली, क्योंकि सम टाइम होता ये है कि एक टायर जिसकी वो इंडिकेशन आपको गाड़ी करती है, हो सकता है कि भाई दूसरा टायर आपका जो है वो कल कहीं बैठ के ना खाली ना हो जाए। तो मैं जब भी एयर के लिए आता हूँ पंप पे, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं सारे ही जो टायर्स हैं उनको फुल कर लूँ। अब मेरे आगे एक भाई हैं, उन्होंने गाड़ी ऐसे लगाई हुई है कि मैं निकालना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है, क्या तो मैं करूँ समझ नहीं आ रही, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे किसी वजह से नो पार्किंग लिखा हुआ है, पता है भाई, वो टायर का काम कर रहे हैं वो गाड़ी का। चले मैं वेट करता हूँ, कितनी देर लगेगी? 1 मिनट लगेगा। ठीक है, ये
ये मामला आते हैं। नो पार्किंग लिखा हुआ है, बंदे ने वहीं पे पार्क कर दी, हमारे एक भाई ने, पुलिस देखेगी तो फाइन मारेगी भाई, लेकिन जब पुलिस देखेगी तब तक वो रिस्क लेंगे। लंच कह लो या डिनर कह लो, ये खाना है भाई सैलेड। आज देखते हैं कि कैसा लगता है ये सैलेड हमें आज। मैं डिफरेंट चीज़ ट्राई करना चाह रहा था एक्चुअली आज, तो लंच में ये कुछ खाएंगे। इसमें चिकन है या नहीं है, इसमें क्या है भैया, चेक करते हैं। ब्रोकली तो नज़र आ रही है, ब्रोकली के अलावा क्या है। मैं जिम आ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि बस एक घंटा जिम करेंगे और फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। खाना मैंने खा लिया था, बहुत ही मज़े का था वो, और अब जो है बस सोने से पहले आपको दवाई पीनी है एंड सोना है, दैट्स इट। चेंज टेक्स टाइम, गिव इट टाइम, वी आर गिविंग टाइम। 90 डेज 90 डेज